तो आजकल मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि तुम जो फिल्म बना रहे थे वो कहाँ तक पहुँची और वो कितनी बनी है। तो उन लोगों को बता दूँ कि अब सरबाज की शूटिंग हम नहीं कर रहे। अब सरबाज हो सकता है कि नहीं आए। तो बात कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि आज से कुछ महीनों पहले जब हम शूट कर रहे थे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की लिमिटेशंस होने की वजह से हम जो है काम तो कर रहे थे लेकिन बहुत सारी जगह आके हम लोग अटक गए कि अब हम इसके आगे करें क्या। तो अब बात कुछ ऐसी थी कि हमने अपना शूट वगैरह स्टार्ट किया, हमने चीज़ें वगैरह जमा की और स्क्रिप्ट लिखी, हम लोगों ने शूट भी स्टार्ट कर दिया। अब हमारा शूट अच्छा खासा सब कुछ सही जा रहा। अब प्रॉब्लम हमें किस जगह पे आती है भाई, असल में हमारे पास जो कमी है वो है बड़े जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक आत्मीय कैरेक्टर हो गया, इस टाइप के जो कैरेक्टर्स जो प्ले करें हमारे पास उन लोगों की कमी है। अगर हम वो उन लोगों को ढूंढ के भी ले आएँ कि भाई हमें ऐसा कैरेक्टर प्ले करने वाला बंदा मिल भी जाए तो तब भी एक प्रॉब्लम ये रहती है कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा मसला होता है हमारे पास, कि कभी हमारे पास टाइम होता है शूट का तो उनके पास नहीं होता, कभी उन्हें जॉब पे जाना होता। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं, लेकिन हम फिर भी इसके बावजूद भी हम काम कर रहे थे। एक दिन जो है मेरा दिल ख़राब हो जाता है, किस बात पे? मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ नॉर्थ कराची से, समीर नाम का, वो पूरा अपना इक्विपमेंट वगैरह जो है लेके आता है और हम लोग शूट वगैरह के लिए रेडी होते हैं, सब कुछ तैयार होता है, हम लोग निकलने वाले होते हैं शूट के लिए, सारे दोस्त वगैरह आगे बैठे होते हैं, सारी टीम के लड़के। तो हम लोग
निकलने वाले होते हैं, लेकिन होता ये है कि जब हम लोग लोकेशन पे पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हमें लोकेशन नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो स्टोरी जो है वो एंड लाइन के आगे से स्टार्ट हो रही है, यानी कि एंड लाइन का ही दूसरा पार्ट है। तो उसके लिए हमें जो है, अगर हम स्कूल चेंज भी कर रहे हैं तो हमें वो एक तो स्कूल चाहिए ना। अब मसला ये है कि हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो है लोकेशन की, क्योंकि हमें लोकेशन सही नहीं मिल पाती। हमें ये नहीं है कि हमारे पास लोकेशंस नहीं है, लोकेशंस हमारे पास हैं, लेकिन वो इतनी छोटी हैं कि उसमें स्टोरी जो है वो सही तरीके से जो है ना हम बैठ नहीं पाएगी, फिट नहीं हो पाएगी। तो हम उसे शूट करने में हमें बहुत ज़्यादा, अब ज़्यादातर जो स्कूल है जो हमारे जानने वाले हैं उनका भाई क्या है, ज़्यादा 80 गज़ का एक प्लॉट है या 120 गज़ का है, उसके अंदर उन्होंने स्कूल खोला हुआ है। अब हम उधर जाके तो शूट कर नहीं सकते, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों में शूट कर सकते हैं, क्लासों में भी हम कितना ज़्यादा शूट करेंगे। तो ये बात है, बस इस वजह से जो है उधर मेरा हुआ दिल ख़राब। उसके बाद जो है मैंने आपको ये भी बात बताई कि हमारे पास कास्ट की बहुत ज़्यादा जो है कमी रहती है। अब भाई हमें लड़की का कैरेक्टर चाहिए, तो हम उसके लिए मुझे नहीं पता कि भाई कॉन्टैक्ट किस तरीके से करें, क्या करें। अब हम उसके ऊपर वर्क करेंगे इंशाल्लाह कि किस तरीके से क्या करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ महीनों पहले तक मुझे नहीं पता था कि भाई किसी लड़की को कास्ट करना तो किस तरीके से करें, किसी कैरेक्टर को करना तो किस तरीके से करेंगे, और इन सब में, इन सब चीज़ों में पैसा कितना लगेगा, मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं। तो प्रॉब्लम सारी की सारी इधर ही आ जाती है कि जो है हम अब करें क्या। हमने काफ़ी सारा शूट जो है किया और हम शूट पे जा आ रहे थे, तो मैंने जो कुछ शॉर्ट्स वगैरह शूट किए हैं वो इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के अंदर जो है ऐड कर दूंगा, सही है। तो आप वो सारे जो है शॉर्ट्स देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमारा काम चल रहा था, और ये पिछले जितने भी मेरे प्रोजेक्ट हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है हमने बनाई थी। लेकिन अब ये ख्वाहिश है कि हम जो है इसको आगे कंडक्ट करें, सही है, आगे में फ्यूचर में इसको कभी ना कभी बनाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल एक में हो सकता है कुछ दिनों के अंदर एक टीज़र आ जाए छोटा सा, तो वो इंशाल्लाह आप देखिएगा। कुछ शॉर्ट्स मैंने ऐड कर दिए, आप लोग वो देख लीजिएगा बस। टेक तो सीन वन, हाँ चलो ना रुक जा, मैं बोलूँ सीन वन टेक टू एक्शन कट। तेरे पास ये सब कैसे आया यार? अब्बा देख लो, अब्बा की में पहले बताओ, रुक जाओ स्टार्ट नहीं करना, कर दिया, कर दिया सब, तो हो गया ना? हाँ हो गया। कैसे करोगे सीधा, तो पकड़ो थली भाई, सीधा देखा, चल रोल टू सीन टू टैक्स। ये सब तेरे पास कैसे आया? बच्ची मुझे थोड़ी सी जगह दो, थोड़ा रुको 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 रुको, चलो जाओ 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 जाओ, अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ, वो पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो, बच्ची वहां बाहर, अबे देख क्यों रहा है कैमरे की तरफ, पीछे रहो पीछे रहो, नहीं तो क्या, मैं उसको बोल रहा हूँ, चलो स्टार्ट है। हट जाओ सामने से, जल्दी वहां से हटो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ,